केयरवेल के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, मैं हूँ पूजा गुप्ता, आपकी मेकअप एक्सपर्ट। और हम जो आज बात करने वाले हैं, अपने इंडियन लुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम अपने इंडियन रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, हम जो आज लुक क्रिएट करने वाले हैं उसका नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जो है एक सिंबल है हमारे इंडियन कल्चर का, हमारी इंडियन सभ्यता का। और हम जो आज के युग में हम जो वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स एक दोबारा से इस इंडियन रूट्स की तरफ हमारे आएँ, उसको एक्सेप्ट करें, उन इंडियन लुक्स को अपनाएं। तो आज हम जो क्रिएट करेंगे वो बहुत ही एक इंडियन लुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लुक। तो जो पहला स्टेप है मेकअप का वो है मॉइस्चराइजिंग द स्किन। जब भी आप मेकअप करते हैं, बेस से पहले हमेशा याद रखिए अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर करना। जब आपकी स्किन बहुत अच्छे से मॉइस्चर्ड होगी, नरिश्ड होगी, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत इजी टू ब्लेंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ मैंने अपने प्लेट में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेके रखा है और हम उसे प्रियंका की स्किन पे एक ब्रश की हेल्प से लगाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया अपने व्यूअर्स को कि मॉइस्चराइजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मेकअप को ब्लेंड करने में। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, जो हेल्प करता है ब्लेंडिंग में, वो है मॉइस्चराइज़र। और आप किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा तो बेटर है, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आपके मेकअप को थोड़ा ऑयली कर देते हैं, तो प्रेफरेबली यूज्ड अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने अपनी मॉडल की स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चर किया है, उनकी स्किन पे आप ग्लो देख सकते हैं आफ्टर मॉइस्चराइजिंग द स्किन। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कलर करेक्टिंग योर स्किन। तो जब बात हम कर रहे हैं कलर करेक्शन की, तो कलर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ग्रीन है, पिंक है, दीज ऑल आर कलर करेक्टर्स। तो जब आपकी स्किन पे कुछ पिंक है, इफ़ यू आर हैविंग सम पिंक स्पॉट्स ऑन योर फेस, तो आपको ग्रीन कलर करेक्टर लगाना होता है। अगर आपकी स्किन डार्क है, जैसे डार्क सर्कल्स हैं या कुछ हैं, तो उसके लिए आता है ऑरेंज करेक्टर। तो ऑरेंज करेक्टर जो है वो हमारे को हेल्प करता है हमारी डार्क सर्कल्स और हमारी पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए। इंडियन स्किन टोन के लिए सबसे ज़्यादा जो करेक्टर यूज़ होता है दैट इज़ ऑरेंज। आप कोई भी ऑरेंज करेक्टर ले सकते हैं और उसको हम प्रियंका के अंडर आइज में और जो भी पिगमेंटेड एरियाज हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो जब हम कलर करेक्ट करते हैं अपनी स्किन को और हम इसको ब्लेंड करेंगे अपनी स्किन के साथ, इसके बाद जब हम अपना फाउंडेशन, अपना बेस लगाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी एशी लुक नहीं आएगा। योर स्किन विल बी परफेक्ट। करेक्टर को स्किन में ब्लेंड करेंगे, मर्ज करेंगे। एंड याद रखिए कि अपने ब्लेंडर को थोड़ा सा डैम्प रखिए हमेशा। डैम्प जब आपका ब्लेंडर होता है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है आपके लिए मेकअप को ब्लेंड करना। ऊपर देखिए, द मोशन ऑफ योर ब्लेंडिंग शुड बी डैबिंग। यू शुड नॉट रब योर प्रोडक्ट, यू शुड ऑलवेज डैब इट। Dab it into your skin. ऊपर देखिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमने बहुत अच्छे से अपने करेक्टर को प्रियंका की स्किन में ब्लेंड कर दिया है डैब करके। इट इज वेल सोक्ड इन द स्किन। तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है फाउंडेशन। हम हमेशा करेक्टर के ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं टू इवन आर स्किन टोन। तो यहाँ पर जो मैंने फाउंडेशन ली है वो मैंने दो कलर्स लिए हैं, और एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। और मैं यूजुअली इस तरीके से ही अपना कलर प्रिपेयर करती हूँ अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन। और फाउंडेशन हम बहुत थोड़ा सा लेंगे, हम बहुत केकी लुक नहीं देंगे, हम बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देंगे मेकअप का। हम यहाँ पर बहुत ही सटल और बहुत ही नेचुरल लुक देने वाले हैं।
तो जब हम फाउंडेशन लेते हैं तो आप याद रखिए कि फाउंडेशन कभी भी अपने हाथ पे टेस्ट नहीं करेंगे आप, उसका कलर आप हमेशा अपनी नेक पे टेस्ट कीजिए कि अगर आपकी नेक पे वो कलर जा रहा है तो इसका मतलब वो आपका फाउंडेशन का कलर जो है वो परफेक्ट है, वो आपकी नेक से मैच करना चाहिए। तो दैट फाउंडेशन कलर इज़ द परफेक्ट कलर फॉर यू। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक प्रिपेयर किया है फाउंडेशन का कलर, और अब हम इसको प्रियंका को फेस पे लगाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया है, इट इज़ जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने ब्रश की हेल्प से ये फाउंडेशन प्रियंका के फेस पे लगा दी है। अब हम एक ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करेंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हैंड्स का मोशन, इट इज़ डैबिंग। आई एम नॉट रबिंग द प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को डैब कर रही हूँ स्किन में। अब बारी आती है हाइलाइटिंग की, हाइलाइटिंग द फीचर्स। तो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कंसीलर जो कि प्रियंका की शेड से एक शेड लाइटर है, उसको हम प्रियंका की अंडर आइज में लगाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा फोरहेड भी हाईलाइट करेंगे, क्यूपिड बो। एंड फिर एक ब्लेंडर से हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पाउडरिंग ऑफ द अंडर आइज। तो पाउडर के लिए आप कोई भी ट्रांसल्यूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी फ्लफी ब्रश की हेल्प से आप पाउडर अपने अंडर आइज के नीचे लगाइए बिफोर अप्लाइंग द आई शेडो। यहाँ पे हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही पाउडर लगा के रखेंगे सो दैट आई शेडो को हम फॉल आउट को डस्ट आउट कर सकें। और क्योंकि प्रियंका ने ग्रीन पहना है एंड उसके साथ एक रस्ट बहुत ही सुंदर दुपट्टा पहना है जो हमने साड़ी की तरह ड्रेप किया है, तो इसके लिए मैं जो आज कलर लेने वाली हूँ वो है एक रस्ट कलर। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने आई शेडो को लगाएं, तो मैं उसी ब्लेंडर से जिससे मैंने कंसीलर लगाया था एंड मेरा आई शेडो का बेस जो है वो रेडी कर लिया है। थोड़ा सा पाउडर भी हम जो ब्रश में हमारे है वो लिड्स पे लगा देंगे टू प्रिपेयर द बेस फॉर द आई शेडो। अब एक फ्लैट ब्रश मैं ले रही हूँ जिसकी हेल्प से हम ये रस्ट कलर का जो आई शेडो है वो हम प्रियंका की आईलिड्स पे लगाएंगे। और क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही कैजुअल आईज की बात कर रहे हैं, बहुत ही कोल्ड आईज की बात कर रहे हैं, तो आई शेडो पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा उसको हम प्रोमिनेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक टच ऑफ कलर देंगे सो दैट वो मैच करे आपके आउटफिट के साथ में।
आप अपने ब्रश में कम प्रोडक्ट लीजिए जिससे कि फॉल आउट कम से कम हो और उसको स्प्रेड कीजिए अच्छे से आईलिड पे। तो अब आई शेडो के बाद आती है बारी खोल की। हम प्रियंका की आईज़ को लाइनर करेंगे और उस लाइनर को हम एक स्मज लुक देने वाले हैं। तो लाइनर करने के लिए मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये जेल आई लाइनर। और क्योंकि प्रियंका का बेस हम पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं तो इसके लिए मेरे को ये आई एम वेयरिंग दिस शील्ड सो दैट मेकअप जो है वो ख़राब ना हो। तो यूजुअली हम लाइनर लगा के ऐसे ही उसको छोड़ देते हैं बट आज जो हम करने वाले हैं क्योंकि हम एक कोल्ड आई लुक देने वाले हैं तो हम इस लाइनर को स्मज करने वाले हैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से। और जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो हमने शैडो लगाई है जो नीचे फॉल आउट हुआ है लुकअप उसको हम इस तरह के बड़े फ्लफी ब्रश से डस्ट ऑफ कर देंगे और हम नीचे भी खोल करेंगे आईज़ में क्योंकि हम एक बोल्ड आई का लुक दे रहे हैं। उसके लिए फिर से हम जेल आईलाइनर लेंगे और प्रियंका की मैं वाटर लाइन में लगाते हुए सेम हम दूसरी आई में करेंगे। और क्योंकि हमने ऊपर एक बहुत ही ब्लेंडेड स्मोकी इफेक्ट दिया है आईज का तो हम नीचे भी उसी तरीके से अपने लाइनर को एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। और मैं एक्सटेंड करते हुए इसको जो हमने ऊपर जो लाइनर लगाया है उसको हमने स्मोक आउट किया था उसके साथ मैं इसको क्लोज योर आइज उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी टू गिव दैट इफेक्ट ऑफ विंग। और इस लुक को और ब्यूटीफाई करते हुए हम अपना आई शेडो पैलेट लेंगे और जो कलर हमने पहले यूज़ किया था रस्ट कलर वही मैं हल्का सा अपने ब्रश में ले रही हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट प्लीज़ डस्ट ऑफ कीजिए हमेशा एंड मैं यहाँ पर उसको ब्लेंड कर रही हूँ। और इनर कॉर्नर्स को और सुंदर दिखाने के लिए हम एक पेंसिल ब्रश लेंगे जो थोड़ा सा बिगर इन साइज और उसकी हेल्प से हम एक आई एम टेकिंग वन वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन कलर और हम इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे।
अपनी लैशेस को आपने इसके बीच में रखना है, दोनों के बीच में, और लैशेस को 1, 2, 3 करके प्रेस करना है। एंड यू कैन सी कि आपके लैशेस कितने अच्छे से कर्ल हो जाते हैं। सेम हम दूसरी आई में करेंगे, जस्ट थोड़ा सा इधर करके। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो लैशेस हैं वो कर्लर की हेल्प से कर्ल करी हैं, और अब हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा आप कोशिश करें कि अपने लैश लाइन के जितना क्लोज लगाएंगे उतना अच्छे से आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रियंका की आईज़ को हमने एक बहुत ही नेचुरल और एक बहुत ही सेंशुअस लुक दिया है। अब बारी आती है आईब्रोज़ की। आईब्रोज़ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ हमारे फीचर्स है। आईब्रोज़ करने के लिए जो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो एक ब्रो डिप है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आप अपने एंगुलर ब्रश में लेंगे और उसको अपनी स्किन पर थोड़ा सा वॉर्म कर लीजिए। आईब्रोज़ करने से पहले किसी भी आईब्रो ब्रश से आप अपनी आईब्रोज को कॉम कर लीजिए। और ये जो प्रोडक्ट मैंने अपने स्किन पे थोड़ा वॉर्म किया है इसको मैं और हम इसको बहुत ही नेचुरल ही रखेंगे। तो प्रियंका के आईब्रोज को हमने बहुत ही एक नेचुरल सा लुक दिया है, एज यू कैन सी। एंड प्रियंका के आईब्रोज क्योंकि आगे से ऑलरेडी थिक हैं तो हमने उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे टच नहीं किया है। आईब्रोज के बाद अब हम प्रियंका को कॉन्ट्रोल करेंगे। कॉन्ट्रोल के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे ये ब्रश इसी प्रोडक्ट में अवेलेबल है, और हम थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने ब्रश पे लेंगे। साक्यो चीकिन। तो बेसिकली हम जो कॉन्ट्रोल करते हैं वो हम अपनी चीक बोन के नीचे हम उसको कॉन्ट्रोल करते हैं, टू हाईलाइट द चीक बोन्स, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रियंका का फेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, शार्प जॉ लाइन है, तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड फोरहेड, क्योंकि प्रियंका का ऑलरेडी बहुत स्मॉल है तो उसको हम हाईलाइट करेंगे, हम उसको बिल्कुल भी कॉन्टोर नहीं करेंगे। नोज़ कॉन्टोर ज़रूर करेंगे हम प्रियंका की, दो प्रियंका हैज़ ऑलरेडी अ शार्प नोज़। थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके साइड्स ऑफ द नोज पे लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो है ब्लश ऑन। एक राउंड फ्लफी ब्रश लेंगे और एक लाइट शेड लेके स्माइल एपल ऑफ द चीक्स को हम ब्लश करेंगे। और अपने ब्लश को आप हमेशा अपने कॉन्टोर के साथ मर्ज करिए, एक बहुत वार्म्थ ऐड करता है फेस पे ब्लश। यस, ब्लश के बाद बारी आती है हाइलाइटर की। चीक बोन को हाईलाइट करेंगे, टिप ऑफ द नोज को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर के बाद बारी आती है लिप्स की। हम प्रियंका के लिप्स पे एक बहुत ही रस्टी शेड लगाने वाले हैं, टू गिव इट अ वेरी
to compliment the eyes actually, because eyes भी हमने जो दी हैं वो बहुत ही rusty natural look दिया है eyes को. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रियंका का मेकअप हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम प्रियंका को लेके जाएंगे उसके हेयरडू के लिए और हम आपको मिलते हैं प्रियंका के कंप्लीट लुक के साथ. तो मैं फिर से आऊंगी एक नए लुक के साथ, तब तक आप देखते रहिए केयर वर्ल्ड. Subscribe for more such informative videos.